WWE के 5 ऐसे मौके जब ग्रेट खली ने अपना आपा खो दिया और रेसलरों को बहुत बुरी तरीके से पीटा और कुछ रेसलरों को तो अस्पताल तक भी ले जाना पड़ा था। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बन रहे हैं। और इस लिस्ट के 5वें नंबर पर आते हैं अंडरटेकर। 7 अप्रैल 2006 के स्मैकडाउन के एपिसोड में अंडरटेकर और मार्क हेनरी के बीच मैच चल रहा था और इतने में ग्रेट खली की एंट्री होती है। ग्रेट खली सबसे पहले रिंग में आते हैं और उसके बाद अंडरटेकर पर डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट करते हैं और ग्रेट खली बहुत बुरी तरीके से अंडरटेकर को पीटते हैं। ग्रेट खली टर्न बकल के रुई को उखाड़ देते हैं और उस पर अंडरटेकर के सिर को दे मारते हैं और अंडरटेकर को इतनी बुरी मार पड़ती है कि वो रिंग के बीचों बीच लेटे रहते हैं। और ग्रेट खली पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिए थे कि अब WWE में भारत का सिर आ चुका है। और इस लिस्ट के 4वें नंबर पर आते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच ज्यादा शान पर्ची झाड़ रहे थे, इसीलिए उनको सबसे पहले खाली चौप दिया और उसके बाद ग्रेट खली ने ट्रिपल एच का सर अपने हाथ में जकड़ लिया। ग्रेट खली ट्रिपल एच के सर को तरबूज की तरह मसलने लगे और दर्द के मारे ट्रिपल एच भी कराने लगे। रेफरी ने भी काफी कोशिश की ट्रिपल एच को छुड़ाने का, लेकिन ग्रेट खली कहां मनने वाले थे। ग्रेट खली का जब तक मन नहीं भरा तब तक उनके सर को तरबूज समझ कर चापते रहे। और जब समरस्लैम में इन दोनों के बीच मैच भी हुआ तो ग्रेट खली ने वहां भी यही किया। और इस लिस्ट के नंबर 3 पाते हैं बटिस्टा। 2007 में ग्रेट खली अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रहे थे बटिस्टा के खिलाफ स्मैकडाउन के एपिसोड में। मैच स्टार्ट होता है तो ग्रेट खली शुरू से ही बटिस्टा को काफी डोमिनेट कर रहे थे और बटिस्टा भी ग्रेट खली को काफी पीट रहे थे। बटिस्टा ग्रेट खली के ऊपर बटिस्टा बम स्पीयर दे देकर थक चुके थे, लेकिन ग्रेट खली हार मानने को तैयार नहीं थे और इन्हीं सब हरकतों से ग्रेट खली बटिस्टा के ऊपर काफी गुस्से हो गए और उन्होंने बटिस्टा को खाली चौप दे दिया। बटिस्टा गिरकर रिंग में पड़े हुए थे, इतने में ग्रेट खली का दिमाग सटक जाता है और बटिस्टा को वाइंस ग्रिप में जकड़ लेते हैं। बटिस्टा ग्रेट खली के हाथों से निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रोप का सहारा लिया, लेकिन ग्रेट खली का दिमाग पहले से खराब हो चुका था। जब बटिस्टा ने रोप का सहारा लिया उसके बाद भी ग्रेट खली ने उनको नहीं छोड़ा। रेफरी ने काफी कोशिश किया कि बटिस्टा को छोड़ा दे, लेकिन ग्रेट खली नहीं छोड़ रहे थे। ग्रेट खली के एग्रेशन को देखकर रेफरी ने काउंट आउट स्टार्ट कर दिया और 4 काउंट आउट होने के बाद भी ग्रेट खली ने बटिस्टा का सर नहीं छोड़ा। तब तक उन्होंने बटिस्टा का सर दबाया जब तक बटिस्टा बेहोश न हो गए। और इस लिस्ट के नंबर 2 पाते हैं जॉन सीना। 2007 के टाइम में ही ग्रेट खली और जॉन सीना के बीच वर्ल्ड टाइटल के लिए फ्यूड हो रहा था, लेकिन जॉन सीना अपने टाइटल को ग्रेट खली के खिलाफ न डिफेंड करके वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे, इसीलिए ग्रेट खली गुस्से में आते हैं और उनका टाइटल लेकर वापस चले जाते हैं। ग्रेट खली के टाइटल को ले जाते देख जॉन सीना अपने टाइटल को बचाने आते हैं, लेकिन ग्रेट खली उनको पीट कर टाइटल लेकर चल जाते हैं। अगले रॉक एपिसोड में जॉन सीना आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी कभी ग्रेट खली से अपना टाइटल लेना है, तो ग्रेट खली बोलते हैं स्क्रीन पर आकर कि आकर ले जाओ। जब जॉन सीना बैकस्टेज ग्रेट खली से अपना टाइटल वापस लेने जाते हैं तो ग्रेट खली का दिमाग सटक जाता है और जॉन सीना को पीटने लगते हैं। जॉन सीना को उठा उठा कर दीवार पर पटक रहे थे और वहां रखे टेबल पर उठाकर पटकते हैं जिससे टेबल टूट जाता है और लास्ट में ग्रेट खली जॉन सीना के गला दबाने लगते हैं और गला दबाकर दीवार पर उठा लेते हैं। काफी देर गला दबाने के बाद ग्रेट खली जॉन सीना को छोड़कर चले जाते हैं और टाइटल को इस बार भी वो साथ ही लेकर जाते हैं। और इस लिस्ट के नंबर 1 पाते हैं रे मिस्टीरियो। 7 सितंबर 2007 के टाइम रे मिस्टीरियो चाबो गरारो के साथ आई क्विट मैच रेसल कर रहे थे और इस मैच में रे मिस्टीरियो चाबो गरारो से आई क्विट बुलवा देते हैं और मैच को सक्सेसफुली जीत जाते हैं, लेकिन मैच के जीतने के बाद रे मिस्टीरियो जैसे ही सेलिब्रेशन करते हैं वैसे ग्रेट खली आ जाते हैं। ग्रेट खली रिंग में आते हैं तो रे मिस्टीरियो काफी हाथ पैर मारते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो से कुछ भी नहीं हो पाता है ग्रेट खली को। ग्रेट खली सबसे पहले रे मिस्टीरियो को चॉक स्लैम मारते हैं, उसके बाद सर को पकड़कर सीधा ऊपर उठा लेते हैं और सर को लगातार तरबूजा समझकर मसलते रहते हैं। ग्रेट खली ने इतनी जोर से रे मिस्टीरियो का सर दबाया था कि उनके नाक और मुंह से खून गिरने लगे थे। उसके बाद भी ग्रेट खली रे मिस्टीरियो का सर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन भला हो बटिस्टा का जो रे मिस्टीरियो को सही समय पर आकर बचाते हैं। ते ही वो 5 मौके थे जब ग्रेट खली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और रेसलरों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।